नागपुर महानगर पालिका अंतर्गत अपूर्व विज्ञान मेला का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन आज मनपा के अतिरिक्त आयुक्त आंचल गोयल ने किया। गौरतलब है कि यह विज्ञान मेला आगामी 3 दिसंबर तक चलने वाला है। दर्शकों, महानगर पालिका के तत्वावधान से अपूर्व विज्ञान मेले का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन की अतिरिक्त मनपा आयुक्त आंचल गोयल द्वारा संपन्न हुआ। जहां की जिस प्रकार से महानगर पालिका की 129 स्कूलें, साथ ही साथ कुछ और अन्य स्कूलों के बच्चों ने यहाँ प्रयोग उपस्थित किए हैं, प्रयोग मौजूद किए हैं, जो कि इन प्रयोगों के बारे में बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या है यह प्रयोग और विज्ञान मेले का जायजा लेते हैं। इस समय महानगर पालिका अंतर्गत आने वाले स्कूलों के छात्र ने विज्ञान प्रयोग बनाया थी, जहां मानवीय संरचना से लेकर सभी विज्ञान संकाय के प्रयोग उपस्थित किए गए थे। मनपा अंतर्गत आने वाली कुल 129 से अधिक, जिनमें कुछ निजी स्कूलों का भी समावेश है, वह प्रत्यक्ष इस आयोजन में शिरकत करने वाले हैं। आज पहले दिन के अवसर पर महानगर पालिका अतिरिक्त आयुक्त आंचल गोयल ने सभी स्टॉल्स का जायजा लिया, जहां बच्चों ने उनके द्वारा बनाए गए प्रयोग के विषय में बताया। सर, मेरा नाम घनश्याम वर्मा है, आई एम फ्रॉम 9th। मेरे स्कूल का नाम संजय नगर हाई स्कूल है और मेरे प्रयोग का नाम है पानी नीचे क्यों नहीं गिरता। मैंने एक प्लेट में पानी से भरा ग्लास रखा और प्लेट से जुड़े धागों से मैंने इसे गोल घुमाऊंगा। आइए, क्या आप बता सकते हैं पानी नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? आइए जानते हैं गिरता है कि नहीं गिरता है। अब मैं बताऊंगा पानी नीचे क्यों नहीं गिरा। गोल घूमते वक्त ग्लास हमेशा सीधा जाने की कोशिश करता है, लेकिन प्लेट उसे केंद्र की ओर ढकेल देता है या फिर उसे पीछे ढकेल देता है। जब दोनों गोल घूमते वक्त दोनों के बीच घर्षण होता है, ग्लास का भार घर्षण से ज़्यादा होने के कारण ग्लास नीचे नहीं गिरता। अब हम जानेंगे इससे हमें क्या सीख मिली। कोई भी चीज़ गोल घूमते वक्त केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। थैंक यू। हमें बढ़नी बलून को निगल लेती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसको पानी भर के हमने गांठ बांध ली है और यह बढ़ने के ऊपर इसे रखा, परंतु यह इसके अंदर नहीं गया। पर हमने जब एक कागज जलाकर इसके अंदर डाला और फिर इसके ऊपर बढ़ने के ऊपर बलून रखा, फिर देखिए आइए ऐसा क्या होता है इसमें। गुड आफ्टरनून, माई नेम इज़ उस्ना परवीन फ्रॉम क्लास 9th ऑफ GM बनातवाला इंग्लिश हाई स्कूल। आप देख ही रहे होंगे मेरे पास एक मेमेलियन लंग्स है। हमारे लंग्स की भी रचना ऐसी ही होती है। लंग्स की शुरुआत एक वाइंड पाइप से होती है, आपको ये दिखाई दे रही होंगी। यहाँ से नाक के द्वारा ली गई हवा लंग्स में जाती है। वाइंड पाइप के ऊपर कुछ रेशे है, आपको ये दिखाई दे रही होंगी। उसके कारण अंदर जाने वाली हवा का आवाज़ आता है। यहाँ से लंग्स के दो हिस्से होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। वाइंड पाइप अंदर जाकर ब्लड वेसल के साथ हजारों शाखाएं फूलती है, उन्हें हम ब्रैंकियोल्स कहते हैं। ब्रैंकियोल्स एक पतली थैली जैसा कोशिका में जाता है, उसे हम अल्वियोली कहते हैं। मेरा नाम गुनगुन जगन बिनकर है। आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक मेमेलियन ब्रेन है। हमारे ब्रेन का वजन करीबन 1300 से 1400 ग्राम होता है। हमारे जो लेफ्ट साइड का ब्रेन है वो शरीर के राइट साइड को कंट्रोल करता है और राइट साइड का ब्रेन शरीर के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। हमारे ब्रेन के 3 मुख्य भाग होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। यह हमारे शरीर में इच्छित क्रियाओं पर नियंत्रण रखने का काम करता है, जैसे दौड़ना, भागना, ताली बजाना, हंसना, रोना, कृषि से प्रकार। पटेल है, मैं विवेकानंद नगर हिंदी माध्यमिक शाला कक्षा 9वीं की विद्यार्थिनी हूँ। मेरे प्रयोग का नाम मानव हड्डियों का ढांचा है। आप देख रहे हैं यह हमने मानव हड्डियों का ढांचा लगाया है। बचपन में हमारे शरीर में 306 हड्डियाँ रहती है, लेकिन बड़े होने पर सिर्फ 206। खोपड़ी की हड्डी को हम स्कल कहते हैं। इसमें कुल 19 जोड़ होते हैं। गर्दन से लेकर कमर तक हमारा वर्टिबल कॉलम होता है। कंधे की हड्डी को हम क्लेविकल और छाती की हड्डी को स्टर्नम कहते हैं। इसमें आगे और पीछे से 12 हड्डियां जुड़ी होती है, जिसे छाती का पिंजा या रिज भी कहते हैं। दर्शकों, तो हम पहुंच चुके हैं राष्ट्रभाषा संकुल के परिसर में, जहाँ की बच्चों ने अपने प्रयोग यहाँ लगाए हैं। इस वक्त हमारे साथ ये छात्रा मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से प्रयोग उन्होंने लाए। बेटा, नाम क्या है? माई नेम इज हबीबा खातून। माई स्कूल नेम इज NMC ताजाबाद उर्दू हाई स्कूल। आई एम इन 9th क्लास। और क्या प्रयोग लाई है आप?
बॉल बेनिंग। इसकी विशेषता हमारे पास यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, तीन वस्तु हैं। क्या है? एक रेत का डब्बा और दो ढक्कन। हम इसको लेंगे और इसमें घुमाएंगे और देखते हैं क्या होता है। एक हम घूमा और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक सतह जब दूसरी सतह मिलती है तो उसमें घर्षण होता है। और यहाँ पर हुआ कि घर्षण नहीं, क्योंकि इसमें घर्षण नहीं हुआ, दोनों सतह आपस में नहीं मिली। इसी प्रकार आपके घरों में गोल घूमने वाली जो भी मशीन है उसमें घर्षण कम करने के लिए छर्रों का उपयोग करते हैं। थैंक यू दर्शकों। जिस प्रकार से हमने देखा कि बच्चों ने काफ़ी बुद्धिमत्ता से, काफ़ी विद्वानता से जो है अच्छे प्रयोग बनाए हैं, जहाँ की शारीरिक संरचना से लेकर सभी प्रकार की फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी चीज़ों का उपयोग कर सभी गुणधर्मों का उपयोग कर यहाँ जो है विज्ञान मेला में प्रयोग उपस्थित किए हैं, प्रयोग मौजूद किए हैं। इसी के साथ कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं मनीष टिमरे, NBC न्यूज़ के लिए नागपुर।